As per direction of UP government, we are running this class, and also it's a instruction of our university. Due to the outbreak of COVID-19, we are running this class. Here, I would like to tell you that yesterday I interacted with you, I talked with you, and I just said, what did I say? I said that I will conduct oral test because most of the things we have done, and you all have already submitted your assignment. I have given you topic, and yesterday I said that I will conduct oral test on drama and its type, especially tragedy. Therefore, my first question related to this tragedy, जो मेरा पहला क्वेश्चन है जो ट्रेजिडी से रिलेटेड है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी. वॉट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी? ट्रेजिडी और कॉमेडी के बीच का डिस्टिंक्शन क्या है? वॉट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेजिडी ट्रेजेडी एंड में कॉमेडी? अनहैप्पी एंडिंग होती है और कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर कि ट्रेजिडी में अनहैप्पी एंडिंग होती है और कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होता है. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर. सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू नो, वेन आई टॉक अबाउट ट्रेजिडी, यू विल कम टू नो ट्रेजिडी ओरिजिनेटेड इन ग्रीक. ट्रेजिडी ग्रीक में इसका ओरिजिन हुआ था. बट हु इज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड दैट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, दैट टॉक्ड अबाउट ट्रेजेडी फ्रॉम थियोरिटिकल परस्पेक्टिव या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थियरी? हु इज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का वो पहला क्रिटिक कौन सा है जिसने ट्रेजेडी पर थियोरिटिकल या थियरी दिया? द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड, हु गेव द थियरी? अरिस्टॉटल और प्लेटो? सर अरिस्टॉटल. दैट्स गुड. अरिस्टॉटल गेव द कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन की अरिस्टॉटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन विच बुक, अपनी किस किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया है? अपनी किस किताब में अरिस्टॉटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी? किस किताब में? रिपब्लिक आर पोएटिक्स? रिपब्लिक आर पोएटिक्स? Can anyone explain? पोएटिक्स द पोएटिक्स में उन्होंने दिया, या द पोएटिक्स में. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो हु हैज रिटन द रिपब्लिक? हु हैज रिटन द रिपब्लिक? रिपब्लिक किसने लिखा है? रिपब्लिक इज द वर्क ऑफ अरिस्टॉटल और प्लेटो? अरिस्टोटल नो. रिपब्लिक इज द वर्क ऑफ प्लेटो एंड द पोएटिक्स इज द वर्क ऑफ अरिस्टॉटल. द पोएटिक्स इज द वर्क ऑफ अरिस्टॉटल एंड रिपब्लिक इज द वर्क ऑफ प्लेटो. हियर आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन वन थिंग. वेन आई टॉक अबाउट ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मीन्स अनहैप्पी एंडिंग. आई हैव शोएब एक्सप्लेन. Tragedy means a type of play in which we find tragic action. Tragedy ends in graveyard. In tragedy, there is a dismaying atmosphere. In tragedy, there is a horrible atmosphere. In tragedy, there is fearful atmosphere. In tragedy, there is terrible atmosphere. We know it very well. And there are some other concepts of tragedy. Concept दूसरे भी कॉन्सेप्ट है ट्रेजिडी. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट क्रिटिक दैट डिफाइंड ट्रेजिडी एंड दैट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन हिज बुक? यू टोल्ड मी अरिस्टॉटल वाज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द वर्ल्ड हु डिफाइंड ट्रेजिडी, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन द लाइफ ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी, स्पेशली इन हिज बुक द पोएटिक्स. I asked another question, who has written the Republic? The Republic किसने लिखा? The Republic was written by Aristotle. The Republic, not Aristotle, but Plato. The Republic was written by Plato. Then the question is ki why the Republic is important?
द रिपब्लिक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट बुक दैट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। यह पहली किताब है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया आपको देखने को मिलता है, और द पोइटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी यू फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इवन थियरी ऑफ इमिटेशन। So if the question comes, you find the concept of utopia. Utopia is a Latin word which means a place like heaven. I just want to know what is the opposite of utopia. Utopia ka antonym kya hai? Anyone? Is it dystopia? The antonym or the opposite of utopia is dystopia. D-Y-S-T-O-P-I-A. I have been discussing with you these two words. एक वर्ड मैंने जो डिस्कस किया उसका नाम है यूटोपिया, U-T-O-P-I-A, utopia. Utopia means what? A place like heaven. A place like heaven. H-E-A-V-E-N. Sir, whiteboard नहीं होता। I think it's visible. सबको नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। Okay. So you find that I just said कि I had used a word utopia, and utopia means a place like heaven. जब कोई आदमी ये कहता है कि धरती पर स्वर्ग है या स्वर्ग की कल्पना जब धरती पर वो करता है या उसके जैसा तस्वूर वो करता है तो उस जगह को यूटोपिया, और यूटोपिया किसी जगह है जो आइडियल प्लेस है जहाँ पे इनजस्टिस, इनइक्वेलिटी या दुख नाद की कोई चीज नहीं है। तो जो यूटोपिया है, यूटोपिया का जिक्र सबसे पहली बार अगर किसी ने किया है तो किस आदमी ने किया है? जिक्र सबसे पहले प्लेटो ने किया है, P-L-A-T-O। प्लेटो ने किसमें किया हुआ? प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में किया, R-E-P-U-B-L, पब्लिक प्लेटो की किताब है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी को डिफाइन किया है, बट अरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजिडी इन हिज वर्क। अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी को जो डिफाइन किया है, ही डिफाइन ट्रेजिडी इन हिज बुक द पोएटिक्स, द पोएटिक्स, P-O-E-T-I-C-S। अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी को डिफाइन किया, और जो उन्होंने ट्रेजिडी किया अपनी किताब द पोएटिक्स में डिफाइन, एंड यू विल कम टू नो व्हेन ही टॉक अबाउट ट्रेजिडी, ही टोल्ड अबाउट ट्रेजिडी इन द लाइट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी, Greek tragedy, because that time it was written only in Greek. That time came to know about Greek tragic dramatist Sophocles को लेकर के अगर आप बात करते हैं, Euripides को लेकर के अगर आप बात करते हैं, तो he came to know about these writers. और जब Aristotle ने tragedy का concept दिया, तो Aristotle talks about what? Aristotle talks about unities. May I know what is three unities? May I know what time, is place, and action. Time, place, and action. Yeah. Now I just want to know when you talk about three unities, that is unity of time, unity of place, and unity of action. Among these three unities, which unity was foremost in the eye of Aristotle? Is unity mein kaun sabse zyada important tha? Unity of action. Unity of
यूनिटी ऑफ एक्शन पे उन्होंने ज्यादातर जोर दिया हुआ है. सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, इसमें से उन्होंने किस पर जोर दिया है? उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन पर जोर दिया. दैट्स अ वेरी दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर. नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू नो, वेन आई टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्सेप्ट इट, अरिस्टोटल ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कोरस. उन्होंने कोरस के बारे में भी बात किया था. जस्ट आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द रोल ऑफ कोरस इन ड्रामा. कोरस का क्या रोल है ड्रामा? वॉट इज द रोल ऑफ कोरस इन ड्रामा? कैन एनी वन एक्सप्लेन? एक तरह से ब्रिज का काम करता है. या दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर. कोरस वर्क्स एज अ ब्रिज. जो कोरस है वह ब्रिज का काम करता है, और ब्रिज के काम करने का मतलब जोड़ने का काम करता है. कोरस इज जस्ट लाइक द मॉडर्न एंकर. जो कोरस है वो आज के मॉडर्न एंकर के जैसे है. एंड यू विल कम टू नो व्हेन ही टॉक्स अबाउट कोरस, इट मींस दैट कोरस वर्क्स एज अ यू कैन से जस्ट कनेक्ट, या एज अ ब्रिज टू कनेक्ट ऑडियंस एंड द you can say the particular player who play their role on the stage. So this is quote. Just as just like modern anchor. One point I want to tell you ki except it, Aristotle also talked about plot. What is the definition of plot in the view of Aristotle? प्लॉट का क्या डिफिनीशन है अरिस्टोटल की नजर में? व्हाट इज द व्यू ऑफ प्लॉट? व्हाट इज द व्यू ऑफ अरिस्टोटल? प्लॉट इज ऑल ऑफ ड्रामा. प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी. प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी. या प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी. Zoya is very active, and thanks Zoya that you are responding me, because it's a means I'm conducting oral test and I expect everyone that your participation is must. You have to give your answer if you know. So you told me about plot is the soul of tragedy. Plot is the soul of tragedy. Yeah, Bushra has joined or not? Bushra, are you there? Misbah and Fauzia? I think Fauzia is there, yeah. Shifa, Mahijabi, Sabha, Shifa, Rana Pravi, Waqar, Hazat, Taib, Zoya is there, Shaguti is also there. Saima, are you there? Saima? Yes, sir. Yeah, okay. Okay. Sharik, Bashira, Ilma. So, I was asking the question, ki what is plot? Plot is the soul of tragedy. But I want to know ki for plot, what the Greek word has been used by Aristotle. Aristotle ne plot ke liye kaun se Greek shabd ka use kiya? Sir, mythos. Mythos, yeah, that's true. Aristotle has used mythos, M-Y-T-H-O-S. Aristotle has used the word mythos for tragedy. Unhone tragedy ke liye use. Now, if I talk about the elements of drama, when you talk about the elements of drama, so what the elements do you find in any drama? Yeah, how many elements are significant or important? Kitne elements important hai? Seven. Sir, stage, character, dialogue, plot, tension. Yeah, there are seven elements as Shoaib told and Zoya explained.
and these seven elements are, as Zoya told you, anyone, I think you all are familiar, you all know about it. And what is that? That is, you find character, you find plot, you find stage, you find dialogue, you find conflict, you find spectators, you find something, you can say character already I told you, and except it, several other points you find that is associated with conflict. So is tarah se you come to know. But one thing I want to tell you, especially just taking the name of Shagufi. Shagufi, are you getting my voice? Shagufi? You can unmute, touching the symbol of the mic that where your name is mentioned. Yeah, Saima. You have to tell me, when I talk about character, when I talk about something, you can say the people who play their role on the stage. E.M. Forster has divided character into two parts. E.M. Forster, Edward Morgan Forster. What are these two types of? I lost your voice. आवाज नहीं आ रही सर. सर मेरे तरफ भी नहीं आ रही आवाज. अब आवाज तो आर यू वेटिंग फॉर सर. या सो आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड माय क्वेश्चन वाज व्हेन आई टॉक अबाउट कैरेक्टर साइमा वाज सेइंग समथिंग. Then I told that there are two types of characters, and these two types of characters were divided by E.M. Forster. So, Simon se main teen cheeze janna chahta hu ki what is the full form of E.M. Forster? Dusra cheez, I just want to know in which book she has, in which book, not she, but he has divided this character, and the book published which year, and what are these two types of characters? Simon, that time you were saying something. Shagufi, Shoaib, Aisha. Sir, question repeat kar dijiye. My question is who divided characters into two parts, and the answer is E.M. Forster. But E.M. Forster divide characters into two parts in which book, and when the book published, what are these two types of characters, and what is the full form of E.M. Forster? आप में से कोई भी, एनीवन? सर द नेम ऑफ द बुक इज हेरेसी. ओ नो नो नो, माय क्वेश्चन इज देयर इज अ क्रिटिक ई.एम. फॉस्टर. ई.एम. फॉस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, E.D.W.A.R.D. एडवर्ड मॉर्गन, M.O.R.G.A.N. मॉर्गन Foster, F-O-R-S-T-E-R. Edward Morgan Foster divided characters into two parts, and the answer is round and flat character. अगर आपको याद होगा जब मैं elements of novel पढ़ा रहा था तो इसमें से एक question है, and you will come to know that character is divided into two parts, round and flat character. And Edward Morgan Foster divided this character into two parts in his famous book, Aspects of the Novel. What is the name of the book? Aspects of the Novel. A-S-P-E-C-T-S. Aspects of the Novel.
बुक केम इन 1927, जो बुक है वो 1927 ईस्वी में आई। बुक कब आई है? 1927 ईस्वी में आई है। बुक का क्या नाम है? एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। बुक कब पब्लिश हुई है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू 1927। राइटर का क्या नाम है? एडवर्ड मॉर्गन फास्टर। उन्होंने जो डिवाइड किया कैरेक्टर को दो हिस्सों में, एक राउंड और एक फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वह होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। जैसे अगर आप ओथेलो की बात करेंगे तो ओथेलो में ओथेलो राउंड कैरेक्टर है, इयागो राउंड कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं कि डेस्डिमोना भी राउंड कैरेक्टर है, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो माइनर हैं, जिनका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। वो जैसे यू कैन से वॉचमैन, इफ यू फाइंड एनी वॉचमैन, इफ यू फाइंड द रोल ऑफ एनी अदर कैरेक्टर, तो वे कैरेक्टर्स किस में आते हैं? फ्लैट कैरेक्टर्स। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ओनली वन पॉइंट, एंड वॉट इज दैट? वेन एवर यू एंड आई टॉक अबाउट ट्रेजिडी, वी मस्ट नो अबाउट अरिस्टॉटल, वी मस्ट नो अबाउट कैरेक्टर, वी मस्ट नो अबाउट, एज यू टोल्ड की माइथॉस इज अ वर्ड फॉर प्लॉट, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what the word has been used by Aristotle for character? Character के लिए Aristotle ने किस Greek word का use किया? Ethos, yeah, that's a very beautiful answer. कि character के लिए उन्होंने जो word use किया है उसका क्या नाम है? Ethos, E-T-H-O-S. Ethos क्या है? Ethos is a Greek word for character. C-H-A-R-A-C-T-E-R. And it was used by who? It was used by Aristotle. So you find that mythos word उन्होंने किसके लिए use किया था? Plot के लिए. Just writing here. अरिस्टोटल ने जो माइथॉस वर्ड यूज किया है, माइथॉस वर्ड किसके लिए यूज किया था? प्लॉट के। इथॉस वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? कैरेक्टर के लिए। और ये सब बातें उन्होंने कितने बताई हुई है? ये सारी की सारी बातें अरिस्टोटल ने अपनी बुक द पोएटिक्स में बताया है। और अरिस्टोटल दुनिया के पहले क्रिटिक है हु टॉक्स अबाउट ट्रेजिडी, स्पेशली ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन द लाइट ऑफ ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। जस्ट आई वॉन्ट टू नो किसी बड़े ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट का नाम, किसी बड़े ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट का नाम, ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, एनी बिग नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। अगर जब भी ये क्वेश्चन आएगा किसी बड़े ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट का नाम, तो एक बड़े राइटर है जिनका नाम है सोफोक्लिस, SOPHOCLES। सोफोक्लिस क्या है? ग्रीक, अ ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, अ ग्रीक ट्रेजिक। सोफोक्लिस ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट है। इन्होंने एक लिखा है जिसका नाम है एंटीगोन। तो उस राइटर का क्या नाम है? सोफोक्लिस हैज रिटन व्हाट? सोफोक्लिस हैज रिटन एंटीगोन। ये प्ले का नाम आपको ध्यान में रखना। बाकी आपको ये पता है कि अरिस्टोटल ने जो यूनिटी की बात कही है, उन्होंने थ्री यूनिटीज की बात कही है। उस थ्री यूनिटीज में यूनिटी ऑफ एक्शन पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। माई नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, इज अबाउट, माई नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन से इफ आई गो विद यू या इफ आई टॉक विद यू, देन यू विल कम टू नो दैट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू टेक, How do you find Aristotle or take Aristotle? What other words Aristotle has used for tragedy?
स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज, अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी में किस लैंग्वेज की बात कही है? डिड ही टॉक अबाउट पोएटिक लैंग्वेज और प्रोजाइक लैंग्वेज? पोएटिक लैंग्वेज, या पोएटिक लैंग्वेज. अरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट पोएटिक लैंग्वेज. अरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजिडी का मतलब सीरियस एक्शन, ट्रेजिक एक्शन एंड ट्रेजिक एक्शन कैन बी एक्टेड परफॉर्म्ड और एक्सप्रेस्ड वेरी वेल पार्टिकुलरली यूजिंग द मीडियम ऑफ पोएटिक लैंग्वेज. तो अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वह कौन सी लैंग्वेज होगा? पोएटिक लैंग्वेज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी में किस एक्शन की, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन? कॉमिक एक्शन और ट्रेजिक एक्शन? कॉमिक एक्शन और ट्रेजिक एक्शन? ट्रेजिक, या अरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ व्हाट? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शन और ट्रेजिक एक्शन. So when you talk about action, ki what type of action should be, there should be the tragic action, there should be the serious action. Remember that. So remember, whenever I talk or whenever I say these points, you have to keep in your mind. Now the next point, except serious action, except tragic action, other significant points you have to remember. He also talks about that there are some other words related to tragedy. Number one is catharsis. What is catharsis? What is catharsis? Find in tragedy. There is a word. एक word है जो मैं लिख रहा हूँ and just asking what is catharsis. C A T H A R S I S. Catharsis. This catharsis means purgation or purification. Purification. Now, how do you find purgation or purification? Aristotle believes that, yeah, he maintains that when a character suffers on stage, then the audience also suffers with that character, because audience finds, yeah, the spectators finds themselves instead of that character, yeah, any audience or any spectator just involves himself or herself with that character so deeply or so much, na gehrai ke sath wah ho jata hai ki wah bhool jata hai apne role. तो उसके बाद उसमें एक आंसुओं की एक पूरी धारा सी बहने लगती है. दैट सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ काम, दैट सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी. तो दिस सिचुएशन इज नोन एज पर्गेशन और प्यूरिफिकेशन. द पर्सन बिकम प्योर व्हेन द यू कैन से टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम eyes through cheek. That is the situation. So catharsis means purgation, purification or emotional wash. This point, catharsis means purgation, purification or emotional wash. You find only in tragedy, you don't find catharsis in comedy. Another question which I want to know, in what situation catharsis comes? Catharsis comes when the hero suffers on the stage, then the person who is seeing that suffering, he also becomes a part of that suffering. Instead of the character, he finds himself, and this is why a situation comes, a situation of lamenting, a situation of crying comes, a situation of sobbing comes, and you come to know that the tears roll down from the eyes of the character or of the spectator. That situation is the situation. What the situation? The situation of purgation or emotional wash or purification or catharsis. Now my next question from Aristotle's concept of tragedy.
इज व्हाट टाइप ऑफ हीरो अरिस्टोटल एक्सपेक्ट इन ट्रेजिडी, किस तरह के हीरो की बात अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी में कहा है, व्हाट टाइप ऑफ हीरो, व्हाट टाइप ऑफ हीरो अरिस्टोटल, क्या सर? सिंपल मैन. सिंपल मैन, सिंपल मैन. Not you have to take only the simple man. If you remember, I explained, even I shared a video with you, especially Aristotle's concept of tragedy. And I told Aristotle believes that the hero should neither be absolutely good nor absolutely bad. जो भी hero होगा, जो भी prominent role में होगा, जो भी central figure होगा tragedy का, that should neither be absolutely good not absolutely bad, but the mixture of good and bad element. It means that the word which you are using, simple man or woman or any human, but that should be what, neither just like angel not just like Satan. उनका ये कहना था कि जो hero हो वो हमारे समाज के बीच का हो, ऐसा ना हो कि वो इतना अच्छा हो कि लगे angel है फिर भी हम विश्वास ना कर पाए, और इतना बुरा भी ना हो कि उसके सफरिंग पर कोई रोए भी ना, क्योंकि इंसान है जो अच्छाई और बुराई का मिश्रण. सो ही सेज दैट हीरो शुड बी हाउ द हीरो शुड बी द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट, वह गुड और बैड एलिमेंट्स का मिक्सचर होना चाहिए. हीदर शुड हीरो शुड नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड, ना तो वह बिल्कुल अच्छा हो और ना वह बिल्कुल बुरा हो. ये कॉन्सेप्ट रहा था, ये कॉन्सेप्ट किसका रहा था, Aristotle का. So I just want to tell you here, I just want to say whenever you and I, जब भी हम या आप बात करते हैं तो उसमें एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है, और वह कौन सा पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है, वह पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये होता है कि often we find if you talk about angel, if you talk about Satan, the people will not believe because they don't belong to our world, they don't belong. If you talk about a person who is a mingling of good and bad element, who has the basic characteristic of a man, woman, surely and certainly the people will believe, the people will go with that person and they will show sympathy. So Aristotle ने जब भी जो है tragic hero का concept दिया, या जब उनसे पूछा कि हमारा tragedy, if I write a tragedy, how the hero should be, the hero should neither be absolutely good nor absolutely bad, but the mixture of good and bad element. Even if you take the Othello, Othello को लेंगे तो Othello में अच्छाई क्या है, वह जो है अच्छाई के साथ खड़ा रहता है, लेकिन Othello में एक बुराई भी है कि वह जो है डाउट करता है अपनी वाइफ डेस्टी में. तो ये सारी चीजें हैं जो आप हमारी सोसाइटी में पाते हैं. तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि who should be the tragic hero should neither be absolutely good nor absolutely bad, but the mixture of good and bad elements. Now, I just want to know a very other point. I think you all are getting this point. किसी को कोई problem? Yes, sir. Okay. Now, just I want to know another point. What's the problem in catharsis? Sir, थोड़ा सा समझ में नहीं आया. Catharsis, you have only to just go with the point ki catharsis is purgation, purification or emotional wash. Already I explained ki if there is a character and that character is suffering on the stage, if you find that Othello, if you find Desdemona, if they are on the stage and they are playing their role and if they are suffering, so being a human, if you are there, if you watch, surely that suffering will appeal you, that suffering will appeal you. And you will find that कि वो जो suffering है वो आपको इतना appeal करेगा कि आप जो है अपने आप को उनकी जगह पाएंगे, और आपको डर लगेगा कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है. तो उस डर की वजह से या आप उस character में इतना involve हो जाएंगे कि ये भी तो इंसान है, ऐसा इनके साथ क्यों हो गया, Desdemona ने तो कुछ नहीं किया था फिर भी वो मार दी गई, तो एक इंसान होने के नाते आपकी sympathy उनके साथ जुड़ जाती है, और वह सिंपैथी इतनी गहरी होती है कि आपको ये पता नहीं चलता
कि कब आप उनके दुख का हिस्सा बन गए और कब जो है आपकी आंखों से आंसू निकलने लगा। तो वह जो सिचुएशन होती है दैट इज द कैथार्सिस। आई थिंक नाउ यू गेट इट। यस सर। सो अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट व्हेन आई टॉक अबाउट अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, you find that there is another word. You came to know about poetic language, you came to know about tragic hero, you came to know about three unities, you came to know about chorus, you came to know about republic by Plato, you came to know about utopia, you came to know about dystopia, you came to know about the poetics, you came to know about Sophocles, jo Greek tragic dramatist hai, unka Antigone, you came to know about mythos for plot, you came to know about ethos for character, plot is the soul of tragedy as Sima explained, Zoya explained, and so these things you come to know. Now the point is, I asked a question related to three unities, unity of time, unity of place and unity of action. You also came to know about unity of action. Now there is another question. Aristotle uses a word that is a Greek word, hymarsia. What do you mean by hymarsia? The word was used by Aristotle, hymarsia. As I think again Zoya explained, ki this hymarsia means a tragic flaw. If you go with hymarsia, if you go with the tragic flaw, you will come to know how you can understand hymarsia. How do you know that this is the tragic flaw? Can anyone explain me hymarsia in what sense? Tragic flaw in what sense? Hymarsia, how do you see in tragedy? Where do you see hymarsia in Othello? Because you have read Othello, this is why I'm asking. Do you find hymarsia in Othello? ट्रैजिक प्लॉट, ट्रैजिक का मतलब होता है दुखद। इन इयागोस कैरेक्टर, इन इयागोस कैरेक्टर आल्सो एंड आल्सो इन द कैरेक्टर ऑफ ओथेलो, इन द कैरेक्टर ऑफ ओथेलो आल्सो। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रैजिक प्लॉट, ट्रैजिक का मतलब होता है दुखद, प्लॉट का मतलब होता है वीक पॉइंट, प्लॉट मींस वीक पॉइंट। इट मीन्स दैट कि जो हीरो है या जो और कैरेक्टर है उनमें कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट है जो उनके पतन का कारण बनेगा, उसी को ग्रीक में क्या कहा जाता है, हाइमार्सिया, ट्रेजिक फ्ला, ट्रेजिक दुखद, फ्ला मीन्स वीक पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर। क्या वीक पॉइंट है कैरेक्टर का? ओथेलो बहुत बहादुर है, मूर है, ब्रेव है, करेजियस है, मैरिड डेस्टिमोना, लेकिन फिर भी उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, वह क्या है, डाउट, जेलस नेचर, ही डाउट्स और उसका जो डाउट होता है उसी का फायदा कौन उठाता है, ओथेलो उठाता है, और उसकी वजह से वह किसका मर्डर कर देता है, अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है, और आप देखेंगे कि कैसे एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है कि किसी न किसी में कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होगा और वही वीक पॉइंट उसके पतन का कारण बनेगा। तो ये लगभग मोस्ट प्रोबेबली इफ यू टेक एनी ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, वेदर दैट इज एनी ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, यू विल फाइंड दैट कि ये पार्टिकुलर चीज वहां परोसी जाती है या दिखाई जाती है। ट्रेजिक फ्ला के बाद, हाइमार्सिया के बाद, there is a word that is highly significant, and that is what, that is the catastrophe. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Catastrophe, it refers to calamity. Catastrophe, you find it in tragedy, calamity, आपदा टाइप का, संकट टाइप का आता है, एंड यू फाइंड कैटास्ट्रोफ स्पेशली इन द एंड ऑफ द प्ले।
इतना सारा कैटास्ट्रॉफ होगा, एक ट्रेजिक सिचुएशन उत्पन्न होगा या एक ऐसा कैलामिटी आएगा कि उसमें नॉट ओनली द हीरो इज गोइंग टू डाई बट अदर कैरेक्टर्स आल्सो डाई, दूसरे कैरेक्टर्स भी मारे जाते हैं या मर जाते हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? कैटास्ट्रॉफ। सो यू फाइंड कैटास्ट्रॉफ CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ एक सिचुएशन होती है जहां पे ऑलमोस्ट यू फाइंड इन द एंड ऑफ द कैरेक्टर एंड दैट मींस कैलामिटी, एक आपदा जैसा आ जाती है। एंड यू फाइंड नॉट ओनली अ पार्टिकुलर कैरेक्टर बट ऑल द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू डाई, दिस थिंग यू फाइंड। नाउ देयर इज एन अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट, एक और भी सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा भी वो पूछा गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज द पेरिपीटिया। देयर इज अनदर वर्ड पेरिपीटिया, PERIPETIA, पेरिपीटिया। देयर इज अ वर्ड ह्यूब्रिस, HUBRIS। There is a word anagnorisis, तो यू फाइंड पेरिपीटिया, यू फाइंड ह्यूब्रिस, यू फाइंड एनाग्नोरिसिस। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दीज थ्री वर्ड्स व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेशली पेरिपीटिया या व्हेन यू टॉक अबाउट एनाग्नोरिसिस। देन रिमेंबर दैट स्पेशली पेरिपीटिया, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। पेरिपीटिया का मतलब क्या है? पेरिपीटिया मींस रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, REVERSAL, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, पेरिपीटिया। एंड हाउ डू यू फाइंड रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून? जैसे आपका लक है, एक लक आपका अच्छी से चल रहा, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन अचानक आपका भाग्य करवट लेता है और वो अपोजिट चलने लगता है, गुड लक से बैड लक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा? दैट सिचुएशन इज नोन एज पेरिपीटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, सडन चेंज उसमें आता है, दैट इज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस इज अ वर्ड, इट मीन्स दैट डिसओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग, डिसओबेइंग ऑफ disobeying of divine warning. Disobeying of divine warning. इसकी बात करते हैं कि disobeying of divine warning, इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करना, disobeying करना, disobeying of divine warning. जो डिवाइन वार्निंग है उसकी अवहेलना की गई है, इस वजह से जो है उसको क्या कहा गया, दैट इज द थिंग। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, फॉर एग्जांपल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू फाइंड दैट कि गॉड सेंड्स प्रॉफिट्स एंड सेज दैट यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग, यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग, बट अ पार्टिकुलर जमात डिसओबेड दैट वार्निंग। तो उसकी वजह से जब ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन होता है, अवहेलना होती है, तो एक पार्टिकुलर जमात पर, अगर आप देखेंगे अपने धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है कि अल्लाह पाक ने उन्हें पनिशमेंट दिया हुआ है, तो उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, दैट सिचुएशन इज नोन ह्यूब्रिस। एंड द सेम थिंग यू फाइंड स्पेशली इन द एपिसोड, इफ यू गो विद कृष्णा एंड कंस, यू फाइंड द सेम एपिसोड कि हाउ Kans disobeyed the divine warning of God when he was going with Vasudev and his sister, just to put them into prison. That time there was a warning that you will be killed by
their eighth son, but he disobeyed this warning, and the result came. So if you find this situation, this is not what, this is not as you preach. So these are the three words which you have to keep in your mind. Reversal of fortune, peripetia. Then you find anagnorisis. Anagnorisis ka matlab hota hai, that is what ki something your character ya aapka jo event hai, वह इवेंट इधर से चल रहा था, लेकिन वह इवेंट अचानक जो है किसमें हो गया, एक दूसरी दिशा में चला गया. एनाग्नोरिसिस अ सिचुएशन इन विच वी फाइंड दैट द हीरो वाज प्रोग्रेसिंग बट अ सिचुएशन कम्स व्हेन वी फाइंड हिज डाउनफॉल. टॉपसी टर्वे हो एनाग्नोरिसिस, दैट इज व्हाट की सडन चेंज, सडन चेंज इन द luck of the character. जो character है उसके अपने luck में अचानक चेंज, जैसे वो बहुत lucky था, अच्छा हो रहा था, लेकिन सब कुछ बदल गया, अचानक जो है बदल जाए, तो इस particular चीज को क्या कहा जाता है, that is what. So these were the things which I have discussed with you, but frankly I would like to say कि आपने prepare नहीं किया था, आपने इसके पहले जो असाइनमेंट जमा किया था केवल कॉपी करके देख करके आपने उसे जमा कर दिया. बट यू ऑल आर नॉट सीरियस एक्सेप्ट ओनली वन. जितना ज्यादा आंसर साइमा की तरफ से सॉरी जोया की तरफ से आया, यू आर नॉट एक्टिव. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम लीविंग यू, बट इन माई नेक्स्ट क्लास मैं आपको इस तरह से इंटरटेन नहीं करूंगा. तो मैं आज जो मैंने बात किया था वो किसको लेकर के मैंने बात किया था, टुडे आई टॉक्ड ओनली अबाउट अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी. ये सब आप रिवीजन कर लीजिएगा. कल जो मैं बात करूंगा वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को, इसका मतलब आज मैंने ग्रीक ट्रेजेडी पर बात किया. और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से रिलेटेड वीडियो अभी तुरंत मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा, उसे अच्छे ढंग से रट लीजिएगा. शेक्सपियर की लाइफ, शेक्सपियर की ट्रेजेडी की खासियत, और खास करके ओथेलो के जो कैरेक्टर्स है उसको अच्छे ढंग से कवर कर लीजिएगा. आई विल मीट यू टुमारो, एंड जस्ट आप एक्टिव रहिए कल के. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर.